स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशेष फोरम में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CCS यूनिवर्सिटी ने UG कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप UG कोर्सेज के लिए किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन फीस कितनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो जुड़ रही है हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको CCS यूनिवर्सिटी व मासा कुमरे यूनिवर्सिटी दोनों से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CCS यूनिवर्सिटी ने UG कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 20 मई 2023 है। आप 20 मई से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और संबंधित कॉलेज में इसे जमा करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप यूजी कोर्सेज के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है CCS यूनिवर्सिटी, और जो पहला लिंक आएगा CCSuniversity.ac.in, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आएगी, जिसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। फिर आपको एडमिशन 2023-24 पर क्लिक करना है। इसके बाद एक न्यू टैब ओपन होगी, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पर दिया गया है कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2023-24। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने 12वीं कक्षा पास की है और आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2023-24। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगी, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर UG कॉलेज एडमिशन रजिस्ट्रेशन, इसके सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और अपनी 12वीं कक्षा में आपका जो बोर्ड था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, इस ईयर में आपने अपनी 12वीं कक्षा पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है और आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर आपको टिक लगा देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। फिर आपको वापस यहीं पर आना है कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2023-24, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है और एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और जो मैसेज में आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका नाम शो होगा और आपका रोल नंबर शो होगा और यहाँ पर कुल 6 स्टेप्स दिए गए हैं फॉर्म के, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, कॉलेज सिलेक्शन करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करके फिर आपको अपने फॉर्म की पेमेंट कर देनी है। ये कुल 6 स्टेप्स है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम ऑलरेडी फिल हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको हिंदी में अपना नाम टाइप करना है, अपने पिता का नाम टाइप करना है, अपनी माता का नाम टाइप करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और फिर इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, और इसके बाद रिलीजन यानी कि धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। इसके बाद नेशनलिटी, इंडियन। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पर कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है, जो भी कैटेगरी है आपको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि गर्ल्स है, एक्स सर्विस मैन है, फ्रीडम फाइटर है, इनमें से जो भी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से आप कोई नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद आपको डोमोसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस राज्य के निवासी है, मूल निवासी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमोसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद इनकम ग्रुप, यानी कि आपके पिता की या फिर आपकी माता की आय 1 साल में कितनी है,
वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यानी कि लेस देन 1 लाख पर एनम यानी कि 1 लाख रुपए से सालाना कम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके माता या पिता की आय 1 या 2.5 लाख के बीच है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका आय इनकम ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट कोटा, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इनके स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पास है तो आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू मिनोरिटी कैटेगरी, अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर यस टिक करना है। अल्पसंख्यक में वे जाति आते हैं जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ठीक है। यानी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका राज्य, आपका जिला, पिन कोड और आपका पता। पते में आप अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और अपना जो पुलिस स्टेशन होता है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और जो आप यहाँ पर फिल करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अलग भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आएगी। फिर नीचे लिखा हुआ है आधार विवरण, यहाँ पर आप अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, यानी कि इसमें आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका पासिंग ईयर क्या था हाई स्कूल का यानी कि 10th कक्षा का। इसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, 10वीं कक्षा का जो भी आपका बोर्ड था। फिर आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितने में से आपके नंबर आए थे, और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपके आए हैं 10वीं कक्षा में, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। इसके बाद हाई स्कूल में गणित का अध्ययन किया है तो हाँ चुने, अगर आपके पास हाई स्कूल में मैथ था तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लड़कों के केस में मोस्टली सभी के पास मैथ होता है हाई स्कूल में, तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। और लड़कियाँ हैं तो ज़्यादातर होम साइंस होता है, और अगर किसी के पास मैथ है तो आपको यहाँ पर यस पर टिक करना है। फिर इसके बाद यदि हाई स्कूल में गृह विज्ञान का अध्ययन किया है तो हाँ सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर लड़की है तो ज़्यादातर होम साइंस लेकर रखती है तो यहाँ पर यस क्लिक कर सकती है, और अगर लड़का है तो वो मैथ लेकर रखता है तो इसलिए वो नो पे यहाँ पर क्लिक करेगा, नो पे। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पर अपनी 12वीं कक्षा की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे कि आपका रोल नंबर हुआ और आपका बोर्ड हुआ। इसके बाद आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, यानी कि 12वीं की जो आपकी स्ट्रीम थी, किस विषय से आपने 12वीं कक्षा पास की थी। आर्ट था आपके पास, एग्रीकल्चर था, या PCM था, या PCB था, जो भी आपके पास 12वीं कक्षा में था वो आपको यहाँ पर उसका स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अधिकतम मार्क्स, इसके बाद आपको अपना TC नंबर डालना है। अगर आपके पास TC सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट होती है उस पर सीरियल नंबर आता है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से अपनी 12वीं कक्षा की है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका 12वीं डिवीज़न ग्रेस मार्क्स के कारण बदल गया है तो येस सेलेक्ट करें। फिर आपको इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो आपके सामने तीसरा स्टेप आएगा, जो कि है कॉलेज सिलेक्शन का। सबसे पहले आपको इसमें विटेज क्लेम्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास NCC है, या NSS है, या फिर स्काउटिंग सर्टिफिकेट है, या इनमें से कोई भी है आपके पास, तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट कॉलेज। इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस भी आप कोर्स में इनरोलमेंट करना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि BA, BBA, BCA, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर एक कॉलेज ऐड हो चुका है, इस प्रकार आप दूसरा कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दूसरा कॉलेज, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर दूसरा कॉलेज आ गया। ऐसे आप तीसरा कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। जिला सेलेक्ट किया, कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया और ऐड पर क्लिक कर दिया। आप एक ही कॉलेज के दो तीन कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग या फिर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार आप तीन कॉलेज ऐड कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। क्या आपके पास फ्रंट कैमरे वाला स्मार्टफोन या लैपटॉप है जो आपके खुद के इस्तेमाल के लिए है? अगर आपके पास है तो आपको यस क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो क्लिक कर देना है। क्या आपके पास स्थिर और तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो आपको यस क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। क्या आपके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्पीकर, एयरफोन, माइक्रोफोन या फिर आवश्यक उपकरण हैं? अगर आपके पास है तो आपको यस क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक कर देना है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और 12वीं या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, जिसमें आपको वेरीफाई एंड सबमिट करना है। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एडिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको अपना फॉर्म बड़ी ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और पूरा फॉर्म चेक करने के बाद यस आई एग्री टू अबाउ, हाँ मैं सहमत हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपकी पंजीकरण संख्या आपके सामने शो होगी। पे पर क्लिक करके यहाँ पर जो फीस है वो आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा थैंक यू, फिर आपको यहाँ पर अपने नाम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन PDF, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और अपने फॉर्म की PDF डाउनलोड कर लेनी है। PDF आपके सामने कुछ ऐसे आएगी। इस टाइप का आपका फॉर्म का PDF आएगा। सो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित या एडमिशन से संबंधित कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको जो भी अच्छा आंसर होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।